कृतिक कृतिक फिर पीछे रह गया। पकड़ यार, पकड़ पकड़। तो हम निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। और हम कब पहुंचेंगे आज दीपक? आज हम कब पहुंचेंगे मार्केट? 4 बजे तक। 4 बजे पहुंचेंगे। मार्केटिंग कब होगी, कब वापस आएंगे? रक्षाबंधन की मार्केटिंग करनी है आज थोड़ा बहुत, तो मार्केट जाके ही करते हैं ना। ओके, यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। कृतिक तो दिख नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है यहाँ पे, बहुत दूर चलना पड़ता है और बादल भी हो रखी है, पता नहीं बारिश भी ना हो। और यहाँ पे अचानक से मेरी चप्पल भी टूट गई है, ये भी मुझे टेंशन हो रही है। अभी किसी तरह एडजस्ट किया है, फिर से टूट जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, ये देखो इनकी चप्पल टूट चुकी है। चप्पल टूट गई है और अभी हम बस खड़े हैं, मार्केटिंग करने आए हैं, चप्पल टूट गई। तो मेरी यहाँ पे चप्पल टूट गई है और हम यहाँ चप्पल स्टिचिंग करने वाला ढूंढ रहे हैं, अभी काम मिलेगा। मिल गया, चलो मिल गया, चलो ऐसे से करते हैं। हम पहुंचे हैं चरणी मार्केट। हम पहुंच चुके हैं चरणी मार्केट और अभी हमें अंदर साइड जाना ही है। अभी जस्ट ऑटो से मैं उतरी हूँ। तो मेरी चप्पल बन गई है, चलने में कितनी मुश्किल होती है मुझे, तो चप्पल में टैप करने एडजस्ट किया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ के लिए हम निकले थे। पहले हम थोड़े से कपड़े की शॉपिंग करते हैं। हमारी परी है छोटी सी, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक दो ड्रेस ले लेती हूँ। तो वहाँ पे मैं आई हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगी यहाँ से। तो अभी हम ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी लुक कौन सी ना लो मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज़ छोटी छोटी गर्ल्स की इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस आती है ना, तो मुझे सेलेक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ऐसे लगता है मैं सभी ले लूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, गर्ल्स के इतनी क्यूट क्यूट ड्रेसेस होते हैं। तो अगर आप लोगों में से इसमें से कुछ भी अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे सामने में है, मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ। और साइज़ वाइज भी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मैं अब कृतिक के लिए भी लाती हूँ तो भी छोटी बड़ी हो जाती है, तो परी के लिए भी शायद ऐसा होगा। तो मैंने सोचा चलो मैं चेंज कर लूँगी, हमारे सामने में ही, ज्यादा मतलब ज़्यादा दूर नहीं है घर से। हमने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है, जो लेना था हमने ले लिया है। अब हम जा रहे हैं राखी वाखी लेने, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा हमें। तुम्हारी शॉपिंग भी करा देते हैं, तुम्हारी शॉपिंग भी करा देते हैं, टेंशन मत लो। शबर नहीं हो रही है ना, लेकिन इतनी सारी राखियाँ लगी है, हम कौन सी लेने। अब मुझे राखी लेने रह गई थी और मैं राखी दुकान में आई हूँ और इतने सारे हैं, तो मुझे डिज़ाइन सिलेक्ट करने में थोड़ी हो रही है कन्फ्यूजन। बट मैंने यहाँ पे चुन लिया है कौन सी लेनी है, मैं ले लेती हूँ, क्योंकि राखी का जो श्रद्धा है एक धागे से है, तो ज़्यादा डिज़ाइनर मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा नग नुग लगे हुए ज़्यादा पसंद नहीं है।
तो एक्चुअली मैंने इस बार कुछ अलग सोचा था अपने भाई के लिए, बट कुछ अलग हो गया, अलग सोचा था और अलग हो गया, मैं बता नहीं सकती आपको, बाद में फिर कभी शेयर ज़रूर करूँगी मैं। तो अभी हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद निकलना है यहाँ से। और अभी कृतिक की शॉपिंग भी रहती है, उसने पता नहीं और क्या क्या खिलौने लेने हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ये भी चरी का ही मार्केट है और यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह में मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक ही जगह और सभी काम हो जाते हैं, मतलब ऑल टोटल फ़ोन का काम हो एंड कॉस्मेटिक का काम हो, पार्लर का काम हो, खिलौने के काम हो, बर्तन तन लेने, मतलब सब कुछ एक जगह मिल जाता है, तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। बट कपड़े की शॉपिंग की वजह से हमें आगे जाना पड़ा, तो वहाँ से ही हम करते हुए आगे। बस ऐसे ही है ना, तो इतना बड़ा लेगा तुम पक्का? चलो इधर चलो, दिखा गन दिखा, वही लेना है पक्का, सीधी कर। परी के लिए ले ली है ना भैया, ये वाला कितने का है? 120। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं गोलगप्पे में कितना ज्यादा रस लगा है, मैंने भी खाना है। दीपक आपने खा लिया? हाँ। चरी आए और हम गोलगप्पे ना खाए ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैंने अभी खाना है। फाइनली हम घर जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है और हम चलते चलते थक गए हैं, है ना कृति? हेलो। और अभी कितना दूर है हमें जाने में? बहुत दूर है। और बीच में हमारी मेरी चप्पल टूट गई, तो मैं सोच रही थी पता नहीं, मैं चप्पल मुझे ख़रीदने का मैंने प्लानिंग ही नहीं की है कि चप्पल मुझे ख़रीदना है, एंड उसी को मैंने कृति साइड ध्यान से एडजस्ट करके जा रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे टेंशन हो रही है, मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया था, वो मम्मी और मेरे भाई ब्रदर दादी के घर गए हैं, इमरजेंसी उनको जाना पड़ा है कृतिका जो, तो उसने बोला है कि दीदी मैं नहीं आ सकता, मतलब इतनी मतलब प्रॉब्लम वहाँ पे है, कुछ मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मेरा ब्रदर कल बोल रहा है कि मैं नहीं आ सकता, और मैंने इतनी सारी तैयारी की है कि हम तीनों सिस्टर एक बार ऐसे मिले हैं 3 साल बाद, तीनों सिस्टर एक साथ हम अपने भाई को राखी बांधेंगे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि हम एक साथ हो पाएंगे, क्योंकि हम इतनी दूर दूर में रहते हैं कि पॉसिबल नहीं होता एक साथ होना, और हम एक साथ अभी इकट्ठा हो गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी था कि तीनों बहनें हम साथ में भाई को राखी बांधेंगे और कितना अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मुझे टेंशन हो रही है, उससे मेरी बात हुई तो कह रहा है दीदी मैं नहीं आ सकूँगा, तो मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो देखते हैं कल का दिन मेरा मतलब राखी वाला दिन कैसा जाएगा, रक्षाबंधन का दिन मेरा कैसा जाएगा देखते हैं। बट फिर भी मुझे अभी से ही अच्छा फील नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों,
देखते हैं जैसे आएगा वैसे तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर पहुंचने वाली हूं, अभी फिर भी मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे। क्या हुआ? मैं कह रहा हूं ना, जब आपका तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बाय बाय बोलते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय। हाँ जी बाय बाय। कितनी बाय कर दो और गिफ्ट नहीं बताना है किसी को भी। नहीं इनको थोड़ी बताया हमने क्या लिया है सरप्राइज।